आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मेरा नाम है विजय भाटिया, VIJEBHATIA, और मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं VJ। आप एक काफ़ी मशहूर अदाकार हैं टीवी धारावाहिक के, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको कहता नाम से नहीं पहचानते, उसका कारण क्या है? सर, हम ये हर एक्टर के साथ ऐसा ही होता है कि हमें नाम बाद में मिलता है, पहले कैरेक्टर को पहचाना जाता है। तो इस बात में मुझे कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि लोग मेरे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं मयंक को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, रोहित को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। सबसे ज़्यादा पहचान मुझे मिली भरत की वजह से, श्री राम के भक्त भरत। तो उस वजह से इतनी बड़ी पहचान के आगे मेरे नाम की पहचान थोड़ी कम भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। पर अब आज आप सब लोग हैं, मेरे मीडिया है, मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे नाम को भी प्रख्यात कर देंगे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो। आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे आप, मोनिका शेख की रेनिंग मिसेस इंडिया का सेकंड सीजन? रेनिंग मिसेस इंडिया 2020 के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये सीज़न 2 है, और मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं सीज़न 1 का ऑफिशियल होस्ट था, और इसलिए अब मैं ऑफिशियल होस्ट सीज़न 2 का भी हूँ। तो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। और इस समय ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि सीज़न 1 में मेरी को होस्ट थी आरती सिंह, जो इस समय बिग बॉस हाउस के अंदर है। एंड इस मीडिया के हेल्प से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लव एंड सपोर्ट आरती सिंह। अभी तक आप लोग सब लोग उन आरती को बहुत प्यार दे रहे हैं, और बहुत अच्छा खेल रही है, अच्छा जा रही है, आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, और वो वापस आएगी और हम लोग सीज़न 2 भी साथ ही में होस्ट करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि सीजन 1 का फिनाले पे हम वहाँ पर मौजूद थे, आप और आरती ने बहुत चुहलबाजी रखी स्टेज के ऊपर, बहुत हंगामे मचाए। तो आई थिंक आरती इज वेरी लकी टू हैव गुड को आर्टिस्ट एंड गुड फ्रेंड इन लाइक ही। सर, ऐसा है कि ये होस्टिंग और एंकरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर दो होस्ट अगर दोस्त हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आरती और मेरी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो स्टेज पर रिफ्लेक्ट हो रहा था और वो केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, वो गिव एंड टेक बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा नहीं कि अब ये क्या बोलेगा तो मैं क्या करूँगी या ये क्या बोलेगी, अनप्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट फिर भी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इक्वेशन इतना अच्छा था कि सब कुछ बहुत ही हंसते खेलते हुए निकल गए। एंड रिव्यूज़ भी ऐसे आए कि लोगों ने एंकरिंग को बहुत इन्जॉय किया। मोनिका शेख के बारे में आप क्या कहेंगे? मोनिका शेख एंड इमरान आर अ वंडरफुल कपल, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ रहेंगी। मैं हमेशा आई बिलीव इन लॉयल्टी, तो मैं सीज़न 1 में उनके साथ था, सीज़न 2 में भी उनके साथ हूँ, आगे भी जब तक वो लोग ये शो कर रहे हैं मैं उनके साथ रहूँगा। और ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है लेडीज़ के लिए, स्पेशली मिसेस इंडिया जब कहते हैं हम, मिसेस कहते हैं जैसे किसी औरत के आगे मिसेस लग जाता है तो ऐसा धारणा बन जाती है कि अब जीवन समाप्त हो गया। अब मिसेस मतलब वो खाली घर की चार दीवारी के अंदर ही रह गया जीवन, अगर वर्किंग है तो वर्किंग एंड चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, दैट्स इट। बट ये अब एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लेडीज़ जो है, मैरिड वुमेन जो है, वो आकर अपना टैलेंट एक्सप्लोर करती हैं, दिखाती हैं, और यहाँ से निकलने वाली लेडीज़
आगे जाकर बहुत बहुत तरक्की कर रही हैं. एंड हैट्स ऑफ टू मोनिका एंड इमरान फॉर सच अ वंडरफुल वंडरफुल वेंचर एंड गॉड ब्लेस देम. सर आज ये इवेंट मैं बहुत ज़्यादा पुणे नहीं आता हूँ, पर इस इवेंट की वजह से मेरा जितना भी आना जाना पुणे से हुआ है. पुणे सिटी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी लाइवली बड़ी हैपनिंग सिटी है. मुंबई और पुणे में कंपेयर किया जाए तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता. यहाँ की पार्टी लाइफ और ज़्यादा बेटर है. और जहाँ तक बात रही मैसेज की, तो मैसेज देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन हाँ जो भी ये वेंचर है, जो भी ये पहल इन्होंने की है, उससे पुणे को तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बेस यहीं पर है. तो इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का पुणेरी लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़कर इनको सपोर्ट करना चाहिए. मैं देख रहा हूँ यहाँ के पुणे के काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के शासक यहाँ पर आए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पुलिस फोर्स है. सो इट्स रियली नाइस टू सी एवरीबडी कमिंग इन एंड सपोर्टिंग मोनिका एंड इमरान. चलिए इसको थोड़ा सा आज हम एक बार फिर से रिगेनिंग मिसेस इंडिया द सीजन 2 के लॉन्चिंग पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसके संस्थापिका हैं खुद मिसेस इंडिया रह चुकी मोनिका शेख. और उनके साथ उनके कहते हैं ना, हर सफल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन साथ में एक सफल पत्नी के पीछे एक सफल पति का हाथ है, इमरान शेख. तो लीजिए बात करते हैं मोनिका जी, कैसा रहा सफ़र अब तक का आपका? अब तक का सफ़र तो अंकल जी बड़ा खूबसूरत रहा, थोड़ा ड्रामेटिक है, बट बहुत इन्जॉय किया, बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली, बहुत से नए लोगों को मिलने को चांस मिला और नई नई चीज़ें देखी. और आपका पहला सीजन में आपको आपके कौन कौन से खास विनर रहे थे, उनका नाम बताइए एक बार फिर. जी हमारी दो विनर्स रही हैं मेन गोल्ड और प्लैटिनम कैटेगरी से, एक है मधुषा जालके और एक है प्रेमा पाटिल. तो प्रेमा पाटिल मैम है एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, और अभी वो चाइना जा रही है इंटरनेशनली हमको रिप्रेजेंट करने के लिए. सो अब इस साल के लिए हम नए कंटेस्टेंट्स ढूंढ रहे हैं, इनसे बढ़िया. और एक बात मैं हमने देखी है जब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पति इमरान शेख बड़े शर्मीले हैं, बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करते. तो इमरान जी हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपने आपकी पत्नी तो काफ़ी आंसर जवाब देने लगी हैं, आप इतने शांत क्यों हैं? मुझे घर से बोल के लाया गया, ज़्यादा बोलने नहीं है. नहीं अंकल जी, मतलब इतना कंट्रोल है आप पर? जी जी जी. नहीं अंकल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब लेकिन ये तो ऐसे मैसेज जाएगा तो पति लोग अपने पत्नियों को छोड़ेंगे ही नहीं, अलाउ ही नहीं करेंगे कि भैया ये जाके वहाँ पे क्राउन विन करेंगे तो ये फिर हमको. आप दूसरे पतियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ज्यादा बोलता नहीं हूँ, वो चक्कर है और कुछ नहीं है. चलिए इसी बात पर हम यहाँ इनकी एक विनर है प्रेमा पाटिल, जो एक पुलिस ऑफिसर है, उनको भी यहाँ बुलाते हैं. प्रेमा, तो पुलिस ऑफिसर के भी अपने कर्तव्य होते हैं, अपनी ड्यूटियां होती हैं, साथ में सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता रह चुकी हैं, अब विदेश भी जा रही हैं. प्रेमा जी आप बताइए आपका कैसा अनुभव रहा है? हाँ बहुत ही सुंदर था. जैसे कि आपने बताया, एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद मैं ये फील्ड में हूँ, और मुझे लगता है जो 9 साल मैंने पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी की है उसमें ये जो 6 मंथ्स का जो मेरी लाइफ थी वो शायद मैंने बहुत मिस की थी. जो अभी मैं यहाँ पे मोनिका मैम की वजह से, इनकी रनिंग मिसेस इंडिया की वजह से आज मैं मेरी खुद की जो कुछ सपने थे वो फिलहाल उसको जी रही. यानी सपनों को जीना क्या कहते हैं वो अभी मैं सीख रही हूँ. आपको देख के एक बड़ा सुपरहिट धारावाहिक था सब टीवी पे, धारावाहिक का नाम नहीं आ रहा, कविता कौशिक की पुलिस ऑफिसर बनी थी. कविता कौशिक जो पुलिस ऑफिसर होते भी हमेशा हंसी मजाक किया ढंग से काम करती थी, कुछ उसकी याद आती है या कुछ कहीं आपने कविता कौशिक से प्रेरणा ली है कुछ? उनसे प्रेरणा तो नहीं ली है बोल सकते, प्रेरणा तो एक ही व्यक्ति से ली थी और वो है किरण बेदी. लेकिन उनके जो डिटर्मिनेशन थे अपने ड्यूटी के प्रति वो मेरे एक्चुअली मेरे गुरु रहेंगे वो हमेशा मेरे. वाह वाह वेरी नाइस, धन्यवाद. मैं खाली ये बोलना चाहूँगी कि रियर रनिंग मिसेस इंडिया 2020 के सेकेंड सीजन में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, और आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सुंदरता के प्रति एक अलग सा नजरिया भी रहेगा. खाली बाहर की सुंदरता
और देखो अंदर की सुंदरता भी रहती है, जिसको पॉलिश करने का काम ये रनिंग मिसेस इंडिया 2019 जी। अंकल जी, मैंने यहाँ तक की जर्नी जो तय की है वो इनकी बदौलत की है, ये मेरे मेंटर्स रहे हैं। मैंने जो अपने लाइफ का पहला पैजेंट जीता था मिसेस महाराष्ट्र, वो सर और मैम ने ऑर्गेनाइज किया था, अंजना मैम एंड कार्ल मास्केरेनस सर। तो ये दोनों मेरे मेंटर्स रहे हैं और वॉट एवर आई एम टुडे द क्रेडिट गोज, द मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू देम। अंजना जी, कुछ अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम अंजना मास्केरेनस है, मैं इंडिया की प्रीमियर पैजेंट कोच हूँ एंड ऑल्सो दीवा पैजेंट्स की MD हूँ। और इस बैनर के अंडर हम मिसेज महाराष्ट्र करते हैं, जिसमें मोनिका पार्टिसिपेट और जीत चुकी हैं। इसके अलावा हम मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन करते हैं, मिसेज वेस्ट इंडिया ऑल्सो करते हैं, वो भी करते हैं। मैंने बताया था ना अंकल, बहुत लंबी लिस्ट होगी इनके पास। और मगर आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे नहीं शेयर करना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि मेरी बेहतरीन स्टूडेंट एंड somebody who has really made me proud is Monica Sheikh। इन्होंने सीज़न 1 में काफ़ी धमाकेदार शो किया और इस बार सीज़न 2 का लॉन्च है और मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे पर्सनली आके इनको कंग्रेचुलेट करने के लिए। मेरे पूरे सफ़र में जो मेरे साथीदार रहे हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचे, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहले तो ऑफकोर्स रनिंग मिसेस इंडिया के ओनर मिस्टर एंड मिसेस शेख, यानी इमरान शेख और मोनिका मैम। बात उसके बाद में जो आता है वो मेरे पति विघ्नेश देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे प्रेरणा किसी ब्यूटी क्वीन से मिली, बट यस जब मैं इस लाइन में आगे बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि हम शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम आगे बढ़ सके, मिस कैटेगरी के लिए काफ़ी रहते हैं। तो मैंने ये सोच के पैजेंट लॉन्च किए अपने पूना में कि हम मिसेस कैटेगरी मतलब शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, और मुझे बहुत खुशी है देख के कि इतनी सारी मिसेस अभी ऐसे सुंदर सुंदर प्लेटफॉर्म आगे अब सबको दे रहे हैं। 50-50 जैसे हर एक चीज में रहती है 50-50, चाहे वो शादी हो चाहे वो कुछ भी हो। सर आपका कहना चाहेंगे? See, we have a castle in Diva, which is their dream dazzle. And I remember the first time we met Monica. We now have to change her introduction to now we are feeling great because we are with Monica Sheikh. No, sir. So we wish honestly wish her and reigning Mrs. India the very, very best. May it go to an all too different level in season 2. महिला लाख गुना अच्छी है बाकी सब, क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती है तो कोई ना कोई बड़ा क्राउन जीत के आती है। यस, इस साल भी हमने 2 नए क्राउन्स लाए हैं इंडिया। यस, शो करायचा आहे। पहिले म्हणजे मोनिका होती, नाही म्हणू शकलो नाही कारण का मला
तुमच्यामधलं डेडिकेशन डिटर्मिनेशन खूप माहिती आहे की जी पॅशन आहे त्याच्यामध्ये या इव्हेंट लाईनमध्ये क्रिएटिव्ह लाईनमध्ये काही करायला ती पण मला माहिती आहे. सो जेव्हा मी शोला हो म्हणलं मला माहिती होतं की 99% शो खूप मोठा होणार आहे. शो नंतर मला माहीत नव्हतं की 110% तो ॲक्च्युली सक्सेसफुल झालेला आहे आणि याच्या पुढे तिचे सीझन 2, सीझन 20, सीझन 200 आय एम देअर फुल सपोर्टमध्ये. आणि मी आत्ता लिटरली इव्हेंट म्हणून इथे आलो आहे, मी घरी जाणार होतो पण मला आठवलं की मोनिकाचा इव्हेंट आहे. आय कॅनॉट मिस दिस कारण का फॉर मी शी इज नॉट ओनली अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, शी इज एव्हरीथिंग. या सो आणि ऑफकोर्स तिचं मी काम बघितलं आहे, प्रोफेशनलिझम, तिचं वर्क, तिचं सगळं डेडिकेशन टुवर्ड्स अ कंटेस्टिंग, तिचं जेवढं ती घरी टाकते आपल्या फॅमिलीसाठी त्याच्यापेक्षाही आय थिंक डबल ती कंटेस्टन्समध्ये इन्व्हॉल्वमेंट टाकते. 10-10 दिवस घरी न जाता लहान मुलीला जास्ती न भेटता तिने पूर्ण ज्या मिसेस स्पेशली मिसेस कॅटेगरीमध्ये तिने जेवढा टाइम दिला आहे अँड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. दो सीझन टू असं वाटत सीझन टू आणि सीझन 10 पर्यंत मी नक्कीच बघतो. मृणालिनी है और ये पपैया है, नॉट पपिया, पपिया पापिया शाह, पापिया शाह, पापिया रॉय शाह, पापिया शाह थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ी हो. एग्जैक्टली पापिया सेन गुप्ता एक एक्ट्रेस भी थी बड़ी अच्छी. वाह अंकल जी आपको याद हो गया ना, बस हो गया. हाँ एकदम आपने ठीक से बोला. आप क्या करती हैं डॉक्टर साहिबा? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. ओह वाओ. और आई एम वर्किंग इन उमरगा डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद. ओके. क्या तैयारी कर रही हैं आप इसके लिए? बहुत सारी बहुत सारी जिम, योगा एंड फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स. आई एम आल्सो पापिया जी, आप बताइए आप क्या तैयारियाँ कर रही हैं, क्या करती हैं आप? अच्छा, आई एम इंटरनेशनल फिटनेस इंस्ट्रक्टर. सो वही करते हैं, मेरा वही काम है, फिटनेस नहीं है. तो हमारी सारी कंटेस्टेंट्स बेसिकली फिट रहेंगी. मैम हमको टाइम एंड अगेन एडवाइस, मैं एकदम सबको प्रैक्टिस करवा दूंगी. मेरे को भी श्योर, बिल्कुल. रीगेनिंग मिसेस इंडिया बड़ा खतरनाक होने जा रहा है. कोई डॉक्टर देखो अंकल जी, फिजिकल फिटनेस मतलब किसी को लाइन मारने का मौका ही नहीं है. हर वॉक सब लाइफ से हम लोग ला रहे हैं, ये कारण है. और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इंडिया की तरफ से मिसेस यूनिवर्स 2019 जो चाइना में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक हो रहा है गोंजा सिटी में, तो वहाँ पर मैं इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ऐसा मेरा ये टाइटल है साउथ ईस्ट एशिया, तो ये टाइटल है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. जी अंकल जी, पहले साल के सक्सेसफुल सेलिब्रेशन के बाद, पहले साल जो हमारा इतना बढ़िया रहा है उसके बाद हम आज हमारा सीजन 2 लॉन्च कर रहे हैं, रेनिंग मिसेस इंडिया ग्रैंड मीडिया लॉन्च सीजन 2 विच विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे 2020. तो अंकल जी यहाँ पे पूना के बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आए हैं, हमारे पास कंटेस्टेंट्स भी आए काफ़ी अलग अलग सिटीज़ से हमारा लॉन्च देखने के लिए. और आप भी देखिए आगे आगे आपको भी गेस्ट और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. हो सके तो आपके अभी कुछ अगर आने वाली नई प्रतियोगिता पे आने वाली जी आएं जी तो जी आप बिल्कुल कराएंगी? बिल्कुल बिल्कुल. कैन यू प्लीज स्टार्ट? मामा से डर कैसे लग सकता है, उनके मामा को देख देख कर तो बड़े हुए हैं. और हम तो यही मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मामा की तरह नाचे गाए और वो चीज़ें करने का मौका मिले. अब तो ये चलिए जो भी जरिया मिलता है वहाँ पर हम तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. बस चीची मामा को सलाम है, मैं तो बोल रहा हूँ जगत मामा बन गए वो तो.